हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कूल जी। आज हम चलेंगे सिक्स क्लास में, चैप्टर पढ़ेंगे सेकंड, द फ्रेंडली मंगूज। इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था बेटा? अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। हमने अच्छे से उसको पढ़ा, उसकी कहानी सुनी, उसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ा, फिर उसकी एक्सरसाइज की। वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। तो सबसे पहले वही प्रोसीजर हमारा, मैं कहानी सुनाती हूँ आपको, वो कहानी सुनेंगे फिर हम चैप्टर पढ़ेंगे। ये कहानी जो है एक सांप और नेवले की है, तो आपने बचपन में भी सुनी थी सांप और नेवले की कहानी। क्या होता है कि एक किसान होता है, एक उसकी वाइफ होती है, एक छोटा सा बच्चा था उनका, वो गांव में रहते थे। तो किसान ने सोचा कि मैं एक नेवला पाल लेता हूँ। उसने घर में एक नेवला पाल लिया और सोचा कि ये बड़ा होकर मेरे बेटे का दोस्त बन जाएगा, इसके साथ खेल लिया करेगा। तो एक दिन क्या हुआ, दोनों किसान और उसकी बीवी बाहर चले जाते हैं, नेवला और बच्चा घर पे अकेले थे। तो सांप आ जाता है घर पे, तो नेवला क्या करता है, सांप को मार डालता है, बच्चे को बचा लेता है। तो जैसे नेवला सांप को मार के गेट पे गया, तो इतने में किसान की वाइफ जो है वो अंदर आती होती है, उसके हाथ में सामान का बैग था। उसने मुंह पे देख के उसके खून नेवले के, उसने सोचा कि इसने बच्चे को मार डाला। उसने वो बैग नेवले के मुंह पे दे मारा, नेवला वहीं मर गया। वो अंदर गई, देखा कि वहां पे तो एक सांप मरा पड़ा है। तो तब कहानी समझ में आई उसको कि ये सांप जो है घर पे आया था बच्चे को मारने के लिए, लेकिन नेवले ने इसको मार के और बच्चे को बचाया है। तो अब वो बड़ा पछतावा हो रहा था उसे, लेकिन अब क्या किया क्या जा सकता था। तो ये कहते हैं ना बेटे, कहावत है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से होने क्या वाला था, नेवला तो मर गया था। इसलिए इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें ठंडे दिमाग से सोचना समझना चाहिए, फिर कोई कार्य करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब पढ़ेंगे चैप्टर वर्ड बाय वर्ड।